हेलो फ्रेंड, जय हिंद। स्वागत है आपका डिफेंस स्टडी चैनल पे। मैं हूं अंकित कुमार राणा और इस वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नेवी SSR AA का फॉर्म जो है वो आ चुकी है। बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए अगर आप नेवी में जाना चाहते हैं। फॉर्म भरने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है ये इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। एडमिट कार्ड से रिलेटेड आपको इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं अगस्त 2020 बैच से, तो आप गलती मत कीजिएगा कोई भी। तो वीडियो पर बने रहिए, सारा गलती जो है वो क्या क्या कर सकते हैं ये चीज़ आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन को जरूर दबाना, और टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो जाकर जुड़ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में 1000 का लाइक का टारगेट है और 100 शेयर का टारगेट है। एक एक शेयर अपने फ्रेंड्स में जरूर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस तरह का नोटिफिकेशन है, डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे मैंने लिंक दे दिया है, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, आप भी रीड सकते हैं। दोस्तों, AA और SSR में जो है वो AA का 60% आपको जो है वो आपका रहना चाहिए। अगर 60% से कम है, 12th में 60% से कम है, तो आपका AA के लिए एडमिट कार्ड नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आप भर भी देते हो, सबसे पहले तो आपको जो भरिएगा वहाँ पर आपको दिया रहेगा कितने परसेंटेज चाहिए, और दूसरी बात SSR के लिए जो है 59% भी है या 50% है, आपका जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गलतियाँ की, कौन सी गलतियाँ नहीं करना चाहिए। जो भी फोटो यहाँ पर दिया रहेगा, फोटो बैकग्राउंड देख लेना आपको और सिग्नेचर देख लेना। अगर आप 16 साल वो नाबालिग हो, ठीक है, 18 ईयर से कम हो, तो आपको जो सिग्नेचर वो पेरेंट्स के लगेंगे इसके अंदर। ये चीज़ आप गलतियाँ ना करिएगा, ठीक है। अपना पेरेंट्स का जो है सिग्नेचर जरूर करवा कर डालिएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है क्या कि सिग्नेचर और फोटो एक साथ आ जाते हैं, एक ही पे आ जाता है, लेकिन ऐसा गलतियाँ काहे होता है, इसके पीछे रीज़न है, ठीक है। होता क्या कि जब सर्वर डाउन रहती है और उसके बाद जो आप लास्ट में फॉर्म फिलअप करते हो, इसी कारण होती है। आपको जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट है यहाँ पर देख सकते हो, 8 नवंबर से आपका जो स्टार्टिंग डेट है, ठीक है। और जैसे ही स्टार्टिंग होगा, आप उसी दिन या फिर उसके 1 से 2 दिन के बाद जल्दी से फॉर्म फिलअप को कर लेना है। लास्ट डेट 18 नवंबर है, जो कि सर्वर डाउन रहती है, इस वजह से आपका जो है रॉन्ग पेनल्टी यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ हम बात करते हैं, अगर आपका एज लिमिट नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल फॉर्म फिलअप नहीं कीजिएगा, आपका एडमिट कार्ड जो है वो नहीं आएंगे, ठीक है। आप एज लिमिट देख सकते हैं, मैं चलिए दिखाता हूँ। 2000 वालों के लिए बहुत अच्छे मौका है यहाँ पर, 1999 वालों के लिए ये नहीं है। 1 अगस्त 2000 से लेकर 31 जुलाई 2003 के बीच ज़रूरी है यहाँ पर, इनके बीच अगर आप हैं तो आप ज़रूर इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड कितने परसेंटेज पर आती है। तो AA और SSR के लिए यहाँ पर कोई परसेंटेज लिमिट नहीं है। अगर आपका AA में 60% है तो आपका श्योर है 100% के एडमिट कार्ड आएगा ही। SSR में कोई लिमिट नहीं, यहाँ पर 59 है, 50% है, एडमिट कार्ड आ जाएगा। कोई स्टेट वाइज कवर इसमें नहीं होता है। MR के वाले एग्ज़ाम में जो है वो स्टेट वाइज कट ऑफ जो और एडमिट कार्ड परसेंटेज रहती है, लेकिन MR में जब से ऑनलाइन हुई है और SSR AA में, तो ये कट ऑफ का झमेला ख़त्म कर दिया गया है और स्टेट वाइज कट ऑफ को ही हटा दिया है, ठीक है। तो वीडियो को आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट का बॉक्स दिया है, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते हैं आपको, कोई रॉन्ग गलती नहीं करना है। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।